तो दोस्तों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक रही है 14। चैरिटी एंड फाउंडेशन CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में 14वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंक इसकी 10 साल की वैश्विक रैंक 82 से बढ़ी है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया ये टॉप पर है। इसके बाद शीर्ष 5 देशों में क्रमशः इंडोनेशिया के बाद केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो पहला स्थान इंडोनेशिया, दूसरा स्थान केन्या, फिर नाइजीरिया, फिर म्यांमार और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कच्छ की खाड़ी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्योंकि ये एक रिवीजन सेशन होता है तो इसमें बहुत अधिक प्रश्नों की व्याख्या में नहीं जाते हैं, टू द पॉइंट ही चलते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? ग्लोबल 500, तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये पर्यावरण रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ सही आंसर इसका हो जाएगा। कुल मिला के 53 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यह प्रश्न कई बार UPPCS में पूछा गया है। याद रखना कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने थे BN राव। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 51A के अंतर्गत। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? अब देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में, मैं तो टू दी पॉइंट ही चल रहा हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताता हूँ कि मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करना है तब केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। अब यहाँ पर अन्य विकल्पों में खरीदना चाहिए भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने की बात कही जा रही है थ्योरेटिकली। किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महदहा से। कहाँ से? महदहा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। अच्छा ये बताओ कि विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का समूह जो गांव के कार्यों को देखता था उसे कहते थे आयंगार। क्या कहते थे? आयंगार। और रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासन में रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे RV घोष। कौन बने थे? RV घोष। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी कहते हैं, तो CPI 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा? CPI यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान है 86वां। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2001 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया वर्ष 2021 में राजेंद्र कुमार भंडारी को। किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है सिक्किम में। अब ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आपको रट लेना है। क्यूरिंग की क्रिया जो होती है ये किस फसल में की जाती है? क्यूरिंग की जो क्रिया होती है ये होती है तंबाकू में। तो याद रखना तंबाकू नाम में जो एक प्रक्रिया है क्यूरिंग, ये संबंधित है तंबाकू की खेती से। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में याद दिलाऊंगा ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछे गए तो डेफिनेटली आपको एक या दो नंबर दिला सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 40, ये जो है ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 40, और 41
ये काम करने का अधिकार से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है, जबकि अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता वाला जो है अनुच्छेद 44, ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। अच्छा, ये बताओ कि किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? अब देखो प्रश्न क्या है, किस क्षेत्र को, अगर राज्य होता तब इसका उत्तर हो जाता छत्तीसगढ़, और कहीं कहीं पर इसका उत्तर जो है आंध्र प्रदेश भी मिलता है, लेकिन सही जवाब इसका छत्तीसगढ़ ही रहेगा। और अगर प्रश्न ये आएगा कि भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और अगर प्रश्न ये आया एग्जाम में कि दुनिया का चावल का कटोरा कौन सा देश होता है, तब इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। और अगर पूछा गया कि दुनिया में चीनी का कटोरा कौन सा देश कहा जाता है, चीनी का कटोरा, तब ये हो जाएगा आपका क्यूबा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? इसको कहते हैं प्रूसिक एसिड। क्या कहते हैं? प्रूसिक एसिड। याद रहे कि साइनाइड्स को अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक यौगिक के रूप में। तो साइनाइड का रासायनिक नाम प्रूसिक एसिड। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 है, दोनों को अपने जीवन में बिल्कुल जो है बैठा लो, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर कंफ्यूज बहुत करते हैं। जैसे कि एक शब्द है जैविक विविधता और दूसरा शब्द है जैव विविधता। तो अगर प्रश्न आया कि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तब इसका उत्तर हो जाएगा कि जैविक विविधता शब्द सबसे पहले 1968 में वन्य जीव वैज्ञानिक रेमंड दास मैन ने अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड कंपनी में प्रयोग किया था। तो जैविक विविधता जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है किससे? रेमंड दास मैन से। जबकि अगर प्रश्न आया कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तब इसका आंसर हो जाएगा 1985 में वाल्टर जी रोजन के द्वारा। अच्छा, एग्जाम में अगर प्रश्न आया कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तब इसका उत्तर हो जाएगा 22 मई को। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 के दशक को कौन सा दशक घोषित किया है, तो जैव विविधता दशक। तो एग्जाम में आ सकता है कि जैव विविधता दशक किस दशक को घोषित किया गया था, अगर एग्जाम में आ गया 2011 से लेकर 2020 या फिर आ गया 2021 से लेकर 2030, तब यहाँ पर गलती मत करना, याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 वाले दशक को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है। और वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है वो क्या कहलाती हैं, तो इसे कहते हैं गिफेन वस्तुएँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ब्रेड है, ठीक है। अब ब्रेड की जो कीमत है वो मान लेते हैं कि 10 रुपये है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब अगर मान लो ब्रेड की कीमत हो रही है 20 रुपये, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो अन्य चीज़ों की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो भी बढ़ेगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो मक्खन है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो दाल है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तब लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ब्रेड को ही परचेज किया जाए। तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन ये जो पदार्थ है ब्रेड, या इसके से जो पदार्थ हैं, वो ज़्यादा लोग परचेज करने शुरू कर देंगे। इनको कहते हैं गिफेन वस्तुएं। मतलब ये कि जब कीमत बढ़ने लगती है तो इनकी खपत भी बढ़ जाती है। और सामाजिक वानिकी योजना किस पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी, तो सामाजिक वानिकी योजना, याद रखना, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो देखना यहाँ पर प्रश्न में आदि लगा हुआ है, आदि ब्रह्म समाज, अगर ये प्रश्न आएगा तब इसका उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है, जिसका कि दोस्तों आप जानते हैं भारत रत्न और साथ ही साथ पद्म पुरस्कार, मतलब पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये सभी सम्मान कब स्टार्ट हुए थे, 1954 में स्टार्ट किए गए थे। तो पद्म सम्मान में तीनों ही सम्मान आ गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो इसके अंतर्गत कुल 119 लोगों को 2021 में सम्मानित किया गया है, कितने, 119। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय है कोविड-19 योद्धा।
और 17 नवंबर 2020 को स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा करने वाला राज्य बन गया है ओडिशा। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो ये था 1976, ठीक है। और किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है, तभी हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? फ्रांसीसी संविधान से। और कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? जयचंद। और अगला क्वेश्चन होगा कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्परिवर्तन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू हो जाता है? मुंह से ही। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तब ये हो जाएगा बेरी बेरी, क्योंकि इसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन K। और मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो इसका उत्तर होगा 1980 में। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है CFC। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना था 1986 में। जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो 1974 में बना था। और पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है और संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? तब इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A 42, यानी कि अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के अंतर्गत जन योजना अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तब इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक। वन जीव सप्ताह भी मनाया गया था कब से कब तक? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर 2021 में वन जीव सप्ताह मनाया गया। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? फुमियो किसिदा, और इन्होंने इसका स्थान लिया है योशिहिदे सुगा का। विश्व हृदय दिवस मनाया गया था कब? 29 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? यूज हर्ट टू कनेक्ट। और विश्व नदी दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया था 26 सितंबर को। ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जीत लिया था सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने। सानिया मिर्जा भारत और झांग सुआई चाइना, ठीक है। और ओस्ट्रावा चेक गणराज्य में है। नार्वे शतरंज ओपन के विजेता कौन बने थे अभी हाल ही में? डी गुकेश बने थे। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक किताब किसने लिखी है? इंदिरा नुई ने। और 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 11 वैज्ञानिकों को CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और हाल ही में भगत सिंह की कौन सी जयंती 28 सितंबर को मनाई गई थी? 114वीं जयंती। और इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। कहां पर हुआ था? बंगा पंजाब पाकिस्तान में। और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तब इसका उत्तर हो जाएगा CK रंगनाथन। तो दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे। अगर सीरीज आपको पसंद आती है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच।